पुलिस व लुटेरे बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। नोएडा पुलिस व लुटेरे बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। थाना सेक्टर 58 पुलिस व लुटेरे बदमाश के साथ सेक्टर 62 जयपुरिया रोड के पास हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी पैर में गोली। कल देर रात मोबाइल स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग की आए दिन वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ थाना सेक्टर 58 पुलिस की मुठभेड़ हो गयी। सेक्टर 62 जयपुरिया के पास हुई बदमाश से मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में गोली लगी। पुलिस द्वारा सेक्टर 62 जयपुरिया प्लाजा के पास चेकिंग की जा रही थी। संदिग्ध दिखी मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा घेर लिया गया। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बदमाश के पास से 4 मोबाइल फोन, चोरी की गई एक मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस जैसे उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा बताया गया कि बदमाश के ऊपर अन्य जनपदों में मोबाइल व चैन स्नैचिंग और लूट के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। ये किशन नामक व्यक्ति है जिसके ऊपर लगभग 2 दर्जन अभियोग अभी तक ज्ञात हुए हैं। ये शातिर स्नैचर है, मोबाइल स्नैचर और चैन स्नैचर। इसके अलावा इसके विरुद्ध 3-7 के भी अभियोग पंजीकृत हैं। वाहन चोरी भी करता है। अभी इसके पास से जो वाहन बरामद हुआ है ये भी खोड़ा से चोरी हुआ है। आज चेकिंग के दौरान जब इसे रोकने की कोशिश किया गया तो ये पुलिस पार्टी देख के भागा। पुलिस ने जब इसको पीछा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ है, इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। चोरी की मोटरसाइकिल के अलावा इसके पास से तमंचा, कारतूस और 4 मोबाइल जो लूट के हैं वो भी प्राप्त हुए हैं, जिनको ये ट्रेस किया जाएगा कि कहां कहां से लूटे गए हैं। इसको जेल भेजा जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लग जाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।